नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली फिटाफट न्यूज चैनल पर। आज आपके सामने एक नई खबर के साथ जी आपको बता रही थी, गौतम अदानी ने 7,017 करोड़ में खरीदी एक और नई कंपनी। जी हां, अदानी पावर के इस अधिग्रहण की एमओयू की प्रारंभिक अवधि 31 अक्टूबर 2022 तक होगी, लेकिन आपसी समझौते पर इसे और बढ़ाया जा सकता है। इस बीच सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को अदानी पावर के शेयर में तेजी देखने को मिली। अदानी पावर का शेयर 2.88% की तेजी के साथ 410.90 रुपए पर बंद हुआ। जी हाँ, आपको बता दें कि देश की एक और कंपनी अदानी ग्रुप की झोली में गिर गई है। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पावर ने कर्ज में के बोझ तले दबी डीबी पावर लिमिटेड को खरीदने का ऐलान किया है। इस अधिग्रहण के साथ अदानी पावर का लक्ष्य राज्य में ताप विद्युत क्षेत्र में अपने कारोबार का विस्तार करना है। डीबी पावर के पास छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में 600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की 2 इकाइयों का मालिकाना हक है। यही थर्मल पावर प्लांट की यूनिट का संचालन भी करता है। डिलीजेंट पावर यानी डीपीपीएल डीबी पावर की होल्डिंग कंपनी है। जी हां, आपको बता दिया अदानी पावर के इस अधिग्रहण की एमओयू की प्रारंभिक अवधि 31 अक्टूबर 2022 तक होगी, लेकिन आपसी समझौते पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में इस बात का खुलासा किया है। अदानी पावर ने शेयर बाजार की दी गई जानकारी बताया कि कंपनी के पास 923.5 मेगावाट क्षमता को लेकर दीर्घकालीन और मध्यावधि बिजली खरीद समझौता है। साथ ही ईंधन की आपूर्ति के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ करार है और कंपनी लाभ में है। जी हाँ, आपको बता दें कि अदानी पावर के पास डीबीपीएल की कुल जारी सब्सक्राइब और पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी और वरीता शेयर पूंजी का 100% हिस्सा होगा। वहीं ट्रांजैक्शन की अंतिम तिथि पर डीबीपीएल के पास डीबी पावर का 100% हिस्सा होगा। यह अधिग्रहण उपक्रम मूल्य 7,017 करोड़ रुपए में होगा। डीबी पावर अक्टूबर 2006 में छत्तीसगढ़ में थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशन का स्थापना ऑपरेशन और रखरखाव के कारोबार में लगी हुई है। जी हां, आपको बता दें कि इस बीच सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को अदानी पावर के शेयर में तेजी देखने को मिली। अदानी पावर का शेयर 2.88% की तेजी के साथ 410.90 रुपए पर बंद हुआ। पिछले एक महीने के आंकड़े को देखें तो अदानी पावर के शेयरों में 35% की तेजी आई। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 1.60 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अदानी पावर ने अब मार्केट कैप के हिसाब से सरकारी कंपनी एनटीपीसी को भी पीछे छोड़ दिया। जी हां, आपको बता दें कि अदानी पावर ने अपने इन्वेस्टर्स को लगातार मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले 5 दिनों के दौरान इसने करीब 15% की छलांग लगाई। पिछले एक महीने के दौरान अदानी पावर के स्टॉक का भाव 35% से ज्यादा चढ़ा है। इस तरह पिछले 6 महीने में इसने करीब 240% की छलांग लगाई है। जी हां,